तो हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखेंगे घड़ियों की सुइयों के मध्य कौन कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड, घड़ी की दो सुइयों के मध्य कौन कैसे ज्ञात किया जाए, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। आपने ये देखा तो होगा बहुत सारे इसमें फॉर्मूले होते हैं जिससे हम इसको निकालते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में फॉर्मूले को याद रख पाना और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करखाना बहुत ही टफ काम होता है। तो आज हम बिना फॉर्मूले के यहाँ पे हम दो घड़ियों की सुइयों के मध्य एंगल निकाला देखेंगे, कौन निकाला देखेंगे। तो कैसे देखते हैं, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक काम में आएगी, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल सा बेसिक ट्रिक है। क्या बोला है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, 2:15 दोनों सुइयों के मध्य कौन कितना होगा, कितना टाइम दे रखा है यहाँ पे, 2 दे रखा है और 2:15 दे रखे है, राइट, इतना चीज लिखी है। तो आप एक साइड में 2 लिख लीजिए, एक साइड में 15 रखिए। ये क्या है, 2 बजे, 2 बजे क्या है, 1 घंटे है, तो 2 बजे को, तो जो घंटे है उसको किस में बदलना है, हमें मिनट में बदलना है। अब मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, सीधी सी बात है, मिनट में बदलने के लिए, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, सीधा 60 से क्या आते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, आपको बताइए, और यहाँ पे क्या है, 15 मिनट है। अब मिनट तो ऑलरेडी है, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्या है हमारी सुइयां हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये समझने के लिए है। ठीक है, वैसे तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन समझने के लिए आप देख सकते हैं, ये 2 क्या थे, घंटे थे, 2 घंटों को मिनट में बदलने के लिए मैंने क्या किया, 60 से गुणा किया। अब ये क्या है, 15 मिनट है, तो मिनट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम क्या है, 2 सुइयों के मध्य, तो 1 सुई होगी, 1 सुई होगी, तो दोनों सुई होगी, तो बेसिकली 11 है, तो किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे, तो गुणा दोनों का इनको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 120, और यहाँ पे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 165। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों का आ गया। अब इनमें क्या करना है, इनका करना है माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को हमेशा माइनस करना है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, उसको हम माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दिए, ये छोटी संख्या ये बड़ी है, तो इसके नीचे हम यहाँ पे ये संख्या लिख लेते हैं, और इनको क्या कर लेते हैं हम, माइनस, माइनस कर दिए, कितना आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, माइनस करने पे कितना आ गया हमारा, 45, तो 45 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो माइनस करने पे आया, अब इसमें क्या कर देंगे हम, सीधा सा 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 सुइयां हैं, तो किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 22.5 डिग्री कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सीधे सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना कोण हो जाएगा, 22.5 डिग्री का कोण हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कैसे फिर से आया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना था, 2:15, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया और 15 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब 2 क्या था, घंटे में था, 2 घंटे बज रहे थे, 2 बज रहे थे, तो 2 को मैंने क्या किया, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, इसका कितना आ गया, 120 आ गया, 120 आ गया। अब यहाँ पे क्या था, 15 मिनट थी, मिनट थी, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 11 से। याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 सुइयां, 1 सुइयां 1 सुइयां। ठीक है, तो 2 सुइयों के मध्य क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है, किससे, 11 से मल्टीप्लाई किया, किसका, 15 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 165 को क्या करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़े में से छोटों को माइनस करना है, ये बड़ी संख्या थी, इसमें से छोटी संख्या क्या थी, 120 को माइनस किया, माइनस करने पे क्या आ गया हमारा, 45 आ गया। अब 45 जो आया, 45 को किससे भाग देना है, 2 से, क्योंकि 2 सुइयों के मध्य निकालने, तो 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देने पे कितना आ गया, 22.5 डिग्री का कोण हमारे पास आ गया। इसके साथ में हम दूसरा क्वेश्चन समझते हैं एक बार, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य का कितना कोण होगा, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 4 कितने हमारे घंटे हैं, तो इसको मिनट में बदलिए, तो 60 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा, 40 क्या है, मिनट है, मिनट के। अब हमें क्या लिखा था, 2 सुइयों के मतलब 1 सुइयां 1 सुइयां, 2 सुइयों के मतलब 2 सुइयों के मतलब 11 से मल्टीप्लाई करो, पहले इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 240, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 440। क्लियर है, इतना यहाँ पे 240 और 440। अब क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करना है, माइनस करना है, बड़ी संख्या यदि छोटी संख्या यदि, इसको उसमें क्या कर लो, माइनस कर लो, माइनस करके बताओ कितना आएगा, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ गया 200 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो माइनस करने पे आया है, माइनस करने के बाद 200 को किससे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 घड़ियों की सुइयों के मध्य क्या कर रहे हैं, कोण ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें इसे 2 से ही डिवाइड कर देना है, कितना आ गया, 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, बिना किसी फॉर्मूले के हमने 2
सुइयों के मध्य का कोण हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो इसके साथ में हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको पूरा ही क्लियर कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्या है, 7:05 पे दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, 7 लिखा है तो 7 को उधर लिखेंगे क्योंकि 7 क्या है, घंटे में है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मिनट में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 05 मिनट है, मिनट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करते हैं, 1 और 1 2 1 और 1 2 1 और 1 11, तो यहाँ पे 1 और 1 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 1 और 1 11 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 42 420, और इसका यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 55। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने हमेशा क्या किया था कि जिसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। बड़ी संख्या कौन सी है, 420, 420 में से यहाँ पे क्या करेंगे, हम 55 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर बताओ कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 11 6 और यहाँ पे 265, राइट, 300, यहाँ पे 3 बचेगा तो यहाँ पे 365 आएगा, राइट। 365 को अब क्या करना है, 365 को मैंने बताया था जो लास्ट में आपका आए माइनस करने पे उसको किससे भाग देना है, क्योंकि दो सुइयों के मध्य कोण निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पे कितना आएगा, यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना, 182 डिग्री 5 डिग्री का क्या आएगा, कोण आएगा 182.5 डिग्री का क्या आएगा अपने पास, कौन आएगा, राइट। ये क्वेश्चन सिंपल सा आपको समझ में आ गया, इसका फाइनल क्वेश्चन है, इसको आप करके बताइएगा, क्योंकि इसको करने के लिए आप क्या करोगे, 11:30 है तो आप इसको कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप तो हूँ बताने के लिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 11 क्या है, बजे है, तो बजे को क्या करेंगे, 60 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, 60 क्या है मिनट में है क्योंकि ये मिनट में आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 11 से, 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 1 11 से, क्योंकि 2 सुइयां हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे अपना कितना आ गया, राइट, 66, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 660, तो छोटी संख्या यहाँ पे, यदि इसको 330 में से माइनस करके बताइए कितना आएगा, यहाँ पे 330 ही आएगा, ठीक है। 330 को क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 330 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे बताओ क्या आएगा, 165, हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर, यहाँ पे 165 डिग्री का कोण आ जाएगा, ठीक है, 165 डिग्री का क्या आएगा, कोण आ जाएगा, राइट, ये हमारा डिग्री का कोण है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, जो भी आपका डाउट था कि किस तरीके से बिना फॉर्मूले के हम यहाँ पे 2 सुइयों के मध्य कोण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।